मंदिरों में संपन्न हो रही सामूहिक प्रार्थना अर्चना एवं उद्बोधन से माधव जनमानस में अविचल निष्ठा का संवर्धन होना ये एक शुभंकर शक्ति का ही जागरण है। आवासीय विद्यालय, आश्रम, ग्रंथालय, महाविद्यालयों के द्वारा माधव मूल्यों को युवा पीढ़ी में संक्रमित करने के प्रयास संगठन की अक्षुण्ण कार्य दिशा प्रकट करते हैं। आपकी पंचमारक है पृथ्वी, जल, सूर्य, वायु, अग्नि की आराधना ये भारत की श्रेष्ठ सांस्कृतिक धरोहर निरंतर समृद्ध करने का, चिरंजीवी रखने का आपका ये कार्य राष्ट्रीय कार्य है। मदिरापान अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से समाज को परावृत रखने के आपके प्रयास भी सुदृढ़ नीतिमान समाज निर्मित की दिशा में सराहनीय कार्य है। न्यूनतम सुविधाओं से भी वंचित गरीब बांधवों में प्राकृतिक सौंदर्य संपदा के आप धनी हैं। महान माधव पूर्वजों ने, विद्वज्जनों ने श्रेष्ठ तत्वज्ञान ग्रंथ एवं उन्नत उदात्त वाङ्मय का सृजन किया है, जो अपना श्रेष्ठ राष्ट्रीय धरोहर है। महाभारत ये हम सभी भारतीयों का श्रेष्ठ दर्शन तथा इतिहास ग्रंथ है, जिसमें समाहित हिडिंबा और घटोत्कच को आप पूर्वज मानते हैं। इन दोनों की महाभारत युद्ध में धर्म की रक्षा और अधर्मी प्रवृत्तियों के विनाश में अहम भूमिका रही है। स्वाभाविक रूप में समूचे राष्ट्रीय समाज से प्राचीन काल से आप गहरे वांशिक रिश्तों से जुड़े हुए हैं। ऐसे गहरे रिश्ते लंबे भौगोलिक अंतर लांघ कर एक ही माँ भारती की सभी संतानें होने की अनुभूति और भारत माँ के अर्चना की प्रेरणा प्रस्फुरित करती है। दुलाराय बाथो गोथुम द्वारा चल रहा ये कार्य अधिकतम व्यापक तथा विकसित होकर अपने श्रेष्ठ सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का समूचे समाज में संक्रमित करने का आपका मंतव्य यथाशीघ्र साध्य करे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति महाराष्ट्र प्रांत की ओर से मंगल कामना करते हैं। भवदीय डॉक्टर रविंद्र सातारकर, अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति महाराष्ट्र प्रांत। दुलाराई बाथो गौथुम ऑल बाथो महासभा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक स्वर्गीय माधव सदाशिव गोळवलकर तथा श्री गुरुजी के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति महाराष्ट्र प्रांत की ओर से आपको धर्म संस्कृति क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए श्री गुरुजी पुरस्कार प्रदान करते हुए हमें आनंद होता है। भारतवर्ष तथा अन्य देशों में स्थित, विशेष रूप से पूर्वांचल प्रदेश में स्थित बाथव समाज में स्वधर्म एवं स्वसंस्कृति के जागरण और संवर्धन का आपका कार्य अभिनंदनीय है। आपका सैद्धांतिक अधिष्ठान, श्रद्धा, अर्चना और व्यवहार, फुथायनाय, सिबिनाय, आरुथाना थानाय, ये संगठन की दिव्य प्रेरणा अभिव्यक्त करता है। बाथव मंदिरों में संपन्न हो रही सामूहिक प्रार्थना अर्चना एवं उद्बोधन से बाथव जनमानस में अविचल निष्ठा का संवर्धन होना ये एक शुभंकर शक्ति का ही जागरण है। आवासीय विद्यालय, आश्रम,
ग्रंथालय, महाविद्यालयों के द्वारा बाथव मूल्यों को युवा पीढ़ी में संक्रमित करने के प्रयास संगठन की अक्षुण्ण कार्य दिशा प्रकट करते हैं। आपकी पंचमहाभूत साधना, सगुण प्रकृति की निर्गुण निराकार रूप में अर्चना, ये मात्र बाथव संस्कृति ही नहीं अपितु समूचे भारतीय संस्कृति संवर्धन में उपकारक है। पृथ्वी, जल, सूर्य, वायु, अग्नि की आराधना ये भारत की श्रेष्ठ सांस्कृतिक धरोहर निरंतर समृद्ध करने का, चिरंजीवी रखने का आपका ये कार्य राष्ट्रीय कार्य है। मदिरापान, अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से समाज को परावृत रखने के आपके प्रयास भी सुदृढ़ नीतिमान समाज निर्मिति की दिशा में सराहनीय कार्य है। गौरव की कथा मानोब्ला नेशनल माहारियारी बाथा को राष्ट्रीय संस्था से जनकल्याण होने जा महाराष्ट्र ने मुम्बे आलिगढ़ बेवे दुलाराय बाथाखौ जा खामानि मावलांनांगौ दिनै विश्व दरबाराव बाथौ धोरोमखौ गोसारलांहोनायनि आरो नैबे दिनै नेशनेल लेभेलाव बे माहारियारि बान्थाखौ मोननायजों लोगोसे दिनै धोरोमारि आफाद हिसाबै थिग गौरव बिबान्था आरो मिनिस्टारफोराव बेबायदिनो खामानि मावलांनो थाखाय नैबे बान्थायानो जोंखौ हाजासे मदद खालामगोन आरो जोंनि बे मावनायनि थाखाय मोनसे जोंनि फार्स्ट इनिशिएटिभ बे। आच्चा दे दुलाराय बाथौ गौथुमा जे हर हर खामानि मावलांनो मोनसे हाबाफारि लादों, बिनि सायाव इयुनाव आरो गोदान गोदान हाबाफारि लाबावगोन होननानै नोंथांमोनहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जे हाबाफारि लादों नामा? बेबायदिनो गासै बे आसामाव नर्थ इस्टआव बेबायदिनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिल्ला लेभेलाव दैदेनगिरि बिहारनि दैदेनगिरि माखासे बे दुलाराय बाथौ नाजानायजोंनो गामि गामि बाथौ धोरोम फोसावनायजों लोगोसे जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौबो दावगालांहोनो थाखाय नैबे जोंनि बान्था।